नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। की हाल चाल है सारे? आई होप तो सारे ठीक ठाक होंगे। अज एक इतिहासिक रिव्यू मैं लेके आ चुके हैं इस साल का, क्योंकि इस साल सबसे बड़े सिंगर अभी तक के, लेजेंड जिन्हें कहा जा रहा है, जिनकी लेगेसी अभी तक जिंदा है, मैं बात कर रहा हूँ सिद्धू मूसेवाला की, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कला, उनकी आर्ट फॉर्म आज भी हमारे बीच जिंदा है। और अभी उनका हाल ही में एक दो दिन पहले एक गाना आया जिसका नाम है ड्रिपी। गाने के रिएक्शन, गाने के रिव्यू देने से पहले मैं बात करना चाहूँगा गाने के क्रेडिट्स के ऊपर, पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो गाने का नाम है ड्रिपी, इसमें आर्टिस्ट हैं जिन्होंने गाना गाया है सिद्धू मूसेवाला, और साथ ही साथ AR पैसले, जो कि कनाडा के बहुत फेमस रैपर हैं, और लिरिक्स भी सिद्धू मूसेवाला और AR पैसले के रैप के जो लिरिक्स हैं उनके हैं। कंपोजर है सिद्धू मूसेवाला, म्यूजिक है मर्सी, उसके बाद लेबल है सिद्धू मूसेवाला। तो अब दोस्तों, इस गाने की अगर बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन गाना है मर्सी का। आप सभी को पता है म्यूजिक किस तरह का होता है, जो शुरू में म्यूजिक होता है वही लास्ट में म्यूजिक होता है, तो वही लास्ट का म्यूजिक शुरू में, जो आउटरो होता है उससे म्यूजिक हमेशा वीडियो शुरू होती है, और काफी ज्यादा जो कह सकते हैं कि नियॉन शेड वीडियो है, गाड़ियों की जो ड्रिफ्ट करती हुई आवाज है, जो स्किट मारते हुए वो आवाज है, और काफी अर्बन, एक कह सकते हैं लो फाई, और साथ ही साथ एक अर्बन बीट है जिसमें फ्यूजन करती हुई आवाज नजर आ रही है सिद्धू मूसेवाला और साथ ही साथ AR पैसले जो कि रैपर हैं। बहुत सारी कहानियां इसमें मौजूद हैं। पहले बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला के पहले वर्ष की, उसमें आता है कि पहले वर्ष में वो एक लड़की की बात कर रहे हैं, लड़की की तरफ से गाने गा रहे हैं, कि किस तरह से आप गाना पूरा सुनेगा आपको पता चलेगा कि पहले वो लड़की के रेफरेंस से गाना गाते हैं, फिर आते आते सेकंड जो वर्ष आता है उसमें वो गन का रेफरेंस देते हैं कि हर कोई नहीं इसको चला सकता, इसको चलाने के लिए एक गबरू, एक एक कह सकते हैं अल्फा मेल वो चाहिए, और वही इसको संभाल सकता है, अरे आप किसी ऐरे गैरे को दे दोगे तो उसके हाथ से नहीं चलेगा वेपन। फिर तीसरा स्टैंजा फिर लड़की की तरफ आ जाता है, फिर चौथे स्टैंजे में वो कहते हैं कि मैं कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करता, और लड़ाई झगड़े में तो वैसे ही नहीं पड़ता कि लड़ाई झगड़ा मेरी लीग में ही नहीं है, मुझे लड़ाई से हटके कुछ अलग करना। और वही आप सभी को पता है कि उनका विजन क्या था शुरू से, और हॉलीवुड तक लोग उनके दीवाने। और आपको बता दूं इस गाने का एक अमेजिंग बात कि इस गाने के अभी तक 9 मिलियन व्यूज होने वाले हैं, और एक और बात बता दूं कि गाना अभी भी, 2 दिन हो गए गाने को रिलीज हुए, अभी भी #1 ट्रेंडिंग है म्यूजिक की लिस्ट में, जो कि यूट्यूब की एक ट्रेंडिंग सेक्शन होती है उसमें अभी तक रैंक कर रहा है, और वहीं स्पॉटिफाई और हर जगह ग्लोबली टॉप 10 में, टॉप 20, टॉप 50, हर जगह अलग अलग जो है इसकी ट्रेंडिंग है, लेकिन अभी भी टॉप 10 जो है हर यूट्यूब कंट्री की बात की जाए तो हर जगह ट्रेंडिंग में है। और बात की जाए तो AR पैसले का बहुत ही बेहतरीन रैप है, और एक इंटरव्यू के दौरान सिद्धू मूसेवाला ने कहा भी था कि AR पैसले जो है सिर्फ कुछ साल रुक जाओ, हॉलीवुड में ड्रेक के बराबर का आपको सिंगर जो रैपर जो है AR पैसले वो नजर आएंगे। और AR पैसले की काफी सारी EPs पहले भी आ चुकी हैं जिसमें सिद्धू मूसेवाला का उन्होंने जिक्र किया है, और सिद्धू मूसेवाले को ट्रिब्यूट भी करते आए हैं, नजर आए हैं AR पैसले इस पूरे गाने में। बहुत ही कमाल का गाना है, बहुत ही ड्रिपी, और ड्रिपी का मतलब होता है ड्रिप, मतलब कैजुअल, एकदम काफी बड़ी बातें बोल जाना लेकिन कैजुअली एकदम सिंपल तरीके से बहुत कुछ चीजों का विश्लेषण कर देना, ये एक ड्रिपी का एक जो एक कह सकते हैं कि मीनिंग हमें समझ आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन गाना है। और ऐसे तमाम गाने और भी सिद्धू मूसेवाला जी के हैं जो कि उनकी झोली में हमने देखा है, अभी कितने सारे पड़े हैं, लेकिन वही है कि अभी तक हम यही बोल सकते हैं कि उनके फैंस की हम चाहते हैं कि और भी ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गाने आए, और हम तो इंतजार ही करते रहते हैं। लेकिन अभी तक आपने गाना सुना है तो जरूर इस गाने का आप भी बताएं कि आपको कौन सा वर्स अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अभी तक अगर आपने नहीं गाना सुना तो जाके सुन सकते हैं, गाने का नाम है ड्रिपी, सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल चैनल पे अपलोड है। और ये कुछ खबर थी सिद्धू मूसेवाले के फैंस के लिए जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब उनका गाना आएगा, गाना आएगा। तो 2024 का 24 का पहला गाना सिद्धू मूसेवाला का आ चुका है, तो जाके जरूर सुनिएगा, और आपको गाना कैसे लगा जरूर बताएं, और ये रिएक्शन रिव्यू कैसे लगा वो भी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।